हेलो माय लवली फूडीज, वेलकम बैक टू होडोफाइल शेफ यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये रवा का ढोकला। ये बस 15 से 20 मिनट में इंस्टेंट नाश्ता तैयार हो जाता है और सभी को बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये ढोकला। तो हम इसमें ले लेंगे 1.5 कप सूजी। कोई भी बर्तन ले ले, उसी से हम ये नापेंगे। चाहे मोटी सूजी हो या फिर बारीक सूजी हो, कोई भी चलेगी। तो इसमें मैंने 1.5 कप सूजी डाला है और हम इसमें डालेंगे 2 कप ये छाछ। तो घर पे बनाया हुआ छाछ है, आप बाहर का छाछ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप 1 कप दही से 2 कप छाछ तैयार कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास हो उसका यूज़ करें। तो दही या छाछ रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सूजी या रवा के साथ। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक और 1/2 चम्मच हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुका है ये, अब हम इसे ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए इसे साइड में रख देंगे किसी गर्म जगह पर। और अब हम ढोकला बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में 1/2 नींबू डाल दिया है जिससे कढ़ाई काली ना हो जब हम इसमें ढोकला बनाएंगे। तो अब एक प्लेट लेंगे और उसे हम तेल से ग्रीस कर लेंगे। 1/2 चम्मच तेल डालकर इसे अच्छे से फैला दे ताकि प्लेट अच्छे से ग्रीस हो जाए और ढोकला अच्छे से निकल पाए। 20 मिनट बाद हम ये ढोकला का मिश्रण देखेंगे और इसे अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और 1 नींबू का रस डाल देंगे इसी के ऊपर और इसे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बेकिंग सोडा और नींबू नहीं है तो आप इसके जगह पे इनो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 1/2 पैकेट इनो का डाल दें। अब ये मिश्रण को हम इस प्लेट के ऊपर डाल देंगे। प्लेट को हमने कढ़ाई के ऊपर रखा है जिसमें कढ़ाई में पानी डाल के रखा है जिससे कि ये स्टीम से अच्छे से पक सके। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे 15 से 18 मिनट पका लेना है और फिर 18 मिनट बाद आप इसे चेक कर सकते हैं। तो इसमें एक नाइफ डाल के चेक करें, अगर ये नाइफ क्लियर आए तो इसका मतलब ढोकला रेडी है। आप इसे बिल्कुल ठंडा हो जाने दें, बिल्कुल गर्म इस पे इसे हम निकालेंगे नहीं। बिल्कुल अच्छी तरह से जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसे इस तरह चौकोर टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो मेरा ये जो ढोकला है ये थोड़ा गर्म ही था तभी मैं इसे कट कर रही थी, इसलिए ये अच्छी तरह से एकदम क्लीन निकला नहीं है। लेकिन आप इसे बिल्कुल ठंडा हो जाने दें और फिर इसे कट करके आप इसको आप तड़का दे सकते हैं या फिर आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन तड़का देने से ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे, 1 चम्मच राई या सरसों डालेंगे, 1 या 2 हरी मिर्च डालेंगे बीच में से कट करके स्लिट करके, और इसमें कुछ 10 से 12 करी पत्ते डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से पक जाने देंगे और ये तड़का तैयार है। अब हम इसमें कट किए हुए ढोकले डालेंगे। तो ये देखिए, सारे कट किए हुए ढोकले डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। 3 से 4 मिनट इसे हल्के हाथों से इस तरह चलाते रहें और बस रेडी है ये 1/2 घंटे में बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट और स्पॉन्जी रवे का ढोकला या सूजी ढोकला, जो आप नारियल की चटनी या केचप या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर एक बार ट्राई करें और मुझे बताएं कैसी लगी ये रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।